हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सांभर की इजी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पर 1.5 कप अरहर यानी तुअर की दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया था और उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में सोख करके रख दिया है, जिससे कि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और सांभर के लिए वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बैंगन, गाजर, बीन्स, लौकी और प्याज ली है और कुछ छोटी प्याज का मैंने छिलका उतार लिया है और उसको मैं ऐसे ही ऐड करूँगी साबुत। कुकर में ऐड करेंगे भीगी हुई दाल और कटी हुई सब्जियाँ और ये मैंने यहाँ पर साबुत प्याज भी ऐड करी है। सांभर जितनी जल्दी बनता है उतना ही टेस्टी भी होता है, बस इसकी वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं 1 कप बारीक कटे टमाटर, वन फोर्थ कप मैंने यहाँ पर मटर ऐड करी है, मैं यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज़ कर रही हूँ। ऐड किया है 3 कप पानी, मैं यहाँ पर सांभर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सब्जियाँ और पानी ऐड करिए। ऐड किया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, और मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 विसल आने का वेट करेंगे और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। जब तक दाल और सब्जियाँ बॉईल हो रही हैं तब तक हम इमली को भिगो लेते हैं। वैसे तो आप सांभर में खट्टापन के लिए अमचूर पाउडर या फिर कच्चे आम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इमली का पानी ऐड करने से सांभर का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और यहाँ पर 4 से 5 विसल आ गई हैं और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर इमली का पल्प भी भीगे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड और किया है क्योंकि अभी पल्प काफ़ी सारा है। अभी हमने देखिए यहाँ पर इमली का पानी छानकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून सांभर मसाला और ये सांभर मसाला होममेड है, मैं इसकी वीडियो बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और आप इस होममेड सांभर मसाले को आराम से 2 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर भी रख सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इस मसाले को। और यहाँ पर कुकर भी ठंडा हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर दाल और सब्जियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, एक बार इसको चला लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इमली का पानी और इसी कप से 1/4 कप पानी हम और ऐड करेंगे। और सांभर में पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम कुकर का ढक्कन ढक देंगे और 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे कि सांभर मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर देखिए सांभर अच्छी तरह से पक गया है। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और जहाँ तक हो आप तड़का मस्टर्ड ऑयल में ही लगाइए। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हींग और मैंने यहाँ पर 2 साबुत लाल मिर्च ली हैं और थोड़ी सी करी लीव्स ली हैं। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हो या फिर लो ही रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड ऐड किया है और ऐड किया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर देंगे और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऐड करेंगे इस तड़के को सांभर में। और यहाँ पर सुपर डिलीशियस सांभर बनकर एकदम तैयार है। आप इसको राइस, इडली, डोसे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।